खास न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी, भाषा एवं साहित्य मंत्री डॉक्टर प्रदीप गेहानी, प्रदेश महामंत्री ईश्वर मोरवानी, मूलचंद बस्तानी एवं संभाग प्रभारी घनश्याम हरवानी सहित अन्य पदाधिकारियों का 2 अक्टूबर को सूतगढ़ अनूपगढ़ सड़क मार्ग पर पंडित जी होटल पहुंचने पर काछी सिंधी समाज संस्था जयसर द्वारा पुष्प वर्षा साफा पहनाकर सम्मानित किया, ऐतिहासिक स्वागत किया गया तथा समान प्रतीक देकर सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने बताया कि यह प्रदेश कार्यकारिणी सिंह सपूत शहीद हेमू कालानी के जन्म शताब्दी वर्ष 22-23 इसी साल 1 दिसंबर को राज्य स्तरीय मुखी एवं पंचायत सम्मेलन भीलवाड़ा में होगा, जिसकी चर्चा को लेकर हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की सम्मेलन अनूपगढ़ में जिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सिंध सपूत हेमू कालानी की जन्म शताब्दी के अवसर पर वर्ष 2022 से 2023 तक रक्तदान शिविरों के अलावा पौधारोपण सहित विभिन्न कार्यक्रम हर सिंधी समाज के सहयोग से किए जाएंगे। स्वागत समारोह में काछी सिंधी समाज संस्था जयसर के अध्यक्ष लेखराज गर्जा, मंगलदास फुलिया, टीकम गौरी, तारा फुलिया, पवन नंदा, मनोज नंदा, मीठिया अशोक गजरा, बबलू मीडिया, योगेश गौरी, प्रदीप भंसारी, निदेश फुलिया, संजय गौरी, अमरचंद फुलिया, दौलतराम बद्रा, मंगलू बद्रा, मेघराज फुलिया, दिनेश गजरा सहित अन्य सिंध समाज व्यक्ति मौजूद रहे। आवाज न्यूज में संवाददाता पवन नंदा की खास रिपोर्ट। जो आए खास तौर से ये प्रवास हेमू कालानी जो शताब्दी वर्ष उन उपलक्ष्य में रखो गया है। शताब्दी वर्ष टेवी मार्च 22 तीन तैयारी की दृष्टि का ही सजो प्रवास है। इन कर राजस्थान के हर कुंड कुछ में हर जिले में अस बैठक रखी उनके अंतर्गत ये बैठक अनूपगढ़ में हनुमानगढ़ की बैठक थी है। अनूपगढ़ पार में वालू था अगले साल जो कार्यक्रम थे उन्हें में तुम सब सहयोग भरपूर।